इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अंतरिम जमानत देने से पीएमएलए कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सोरेन ने 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे हेमंत सोरेन, लेकिन उनके अंतरिम जमानत को पीएमएलए कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है और इस तरह झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झटका लगा है। अंतरिम जमानत देने से पीएमएलए कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सोरेन ने 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अंतरिम जमानत देने से पीएमएलए कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सोरेन ने 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे हेमंत सोरेन, लेकिन उनके अंतरिम जमानत को पीएमएलए कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है और इस तरह झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झटका लगा है। अंतरिम जमानत देने से पीएमएलए कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सोरेन ने 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अंतरिम जमानत देने से पीएमएलए कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सोरेन ने 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे हेमंत सोरेन, लेकिन उनके अंतरिम जमानत को पीएमएलए कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है और इस तरह झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झटका लगा है। अंतरिम जमानत देने से पीएमएलए कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सोरेन ने 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी।